इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मकसद है वो आप लोगों को एक ऐसी सलाह देना है, ऐसे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना है जो शायद आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो, चाहे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, चाहे आप स्कैल्पर हो, जॉबर हो, कुछ भी हो, आप हमेशा एक समस्या से जूझते होंगे कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में लॉसेस होते हैं। दोस्तों, लॉसेस होने के जो कारण हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने अपनी लाइफ में हमेशा ये समझा है कि अगर हमें प्रॉब्लम पता लग जाए तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। हमने हमेशा सुना होगा कि वंस यू नो ए प्रॉब्लम दैट मीन्स हाफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, हाफ मोर देन हाफ इज सॉल्व्ड एक्चुअली, यू नो, क्योंकि जब तक समस्या नहीं मालूम हो हमें मालूम ही नहीं है कि सर में दर्द है या पैर में दर्द है या हमें सर्दी खांसी जुकाम है। सपोज कीजिए सर्दी खांसी जुकाम है और हम सर दर्द की दवाई लेके बैठे हैं, क्या ठीक होगी? नहीं होगी। इसलिए जो प्रॉब्लम है उसका जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडर्स की ज़िंदगी और निवेशक की ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, दोनों ही इमोशन से गुजरते हैं, दोनों ही उस तकलीफ से गुजरते हैं जो उनके इंपॉर्टेंट पैसे को नुकसान करती है। दोस्तों, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप निवेशक हैं, आपका जो पैसा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत से आपने कमाया है। हर बंदा, हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर इस मार्केट में कुछ पैसे कमाने के लिए आता है। वो ये सोच के आता है कि शायद मैं शेयर मार्केट से एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पैदा कर लूँगा, शायद मेरा गुजारा इस शेयर मार्केट से होने वाली इनकम से हो जाएगा, किसी के कहने से, किसी से इंस्पायर होके। बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे वॉरेन बफे हुए, राकेश झुनझुनवाला हुए, इन लोगों को सुन के देख के हमें लगता है कि हम भी स्टॉक मार्केट में अपना करियर बना सकते हैं। आपका सोचना गलत नहीं है, बट फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जो आप में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क आ जाता है? ऐसा क्या होता है दोस्तों कि 5% लोग तो पैसा बना रहे हैं और 95% लोग पैसा गंवा रहे हैं? दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा समय होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही सेंसिटिव वीडियो है, आप लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपका ये जो करियर है बहुत लंबा जाए, आप दो पैसे बनाते रहें, आपकी सोर्स ऑफ इनकम चलती रहे, आपकी पॉकेट मनी बनती रहे, आप इसको एक ऐसा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाएं जिससे आप बहुत सारी अपने सपने पूरे कर सकते हैं, तो आपको ये वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप शायद एक बेहतर ट्रेडर या निवेशक बनने की कतार में खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, आपका ये जाना बहुत ज़रूरी है, आपका ये मानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, आप ये गलतियाँ करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी 11 ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हम सब करते हैं अपनी इनिशियल ट्रेडिंग में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तो शेयर मार्केट को अलविदा कह देते हैं। बट अगर आपने इन 11 गलतियों को सुधार लिया तो मैं दावा कर सकता हूँ, मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, आप एक अच्छे निवेशक, एक अच्छे ट्रेडर जरूर बनेंगे और आपके सभी सपने पूरे होंगे स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए। चलिए वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल पे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक तभी पहुंचेगी जब आप नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सबसे पहली मिस्टेक को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल देना होगा। एग्जांपल क्या होगा? सपोज कीजिए मेरे घर के आसपास कोई एक रेस्टोरेंट है या कोई खाने का जॉइंट है, उसकी सेल बहुत तगड़ी है। मुझे लगता है कि यार वो दिन में जो मार्जिन निकालता है 30-35-40% का प्रॉफिट मार्जिन बना लेता है महीने में, दिन में जो भी है माल बेचता है वो, और बनाता क्या है, थोड़ा सा मसाला चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए, थोड़ा सा वो चाहिए, खाने पीने का डिशेज़ आपको बनानी आनी चाहिए और आप वो सीख भी सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। बट आपको लगता है कि यार बहुत ही सिंपल सा है, एक दाल मखनी को बनाना है, बहुत ही सिंपल है एक छोले भटूरे को बनाना है, या कोई भी डिश आप बनाना चाहिए और आप बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या आपका बिज़नेस चलेगा? नहीं। जी हाँ, सबसे बड़ी मिस्टेक है नॉलेज। अगर आपको आपके ट्रेड की नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी बिजनेस में फेल होंगे। जी हाँ, गारंटी है फेल होने की। तो स्टॉक मार्केट में जितने भी 95% या उससे ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं, लॉसेस खा रहे हैं, उनकी मुख्य वजह है लैक ऑफ नॉलेज। दोस्तों, कोई भी निवेशक या ट्रेडर जो बाजार में शुरुआती दौर में आता है वो किसी से इंस्पायर होकर आता है, किसी से कहानी सुन के आता है, कोई अरमान लेके आता है, कुछ सपने लेके आता है, और नॉलेज को इंप्रूव करने में कोई टाइम नहीं लगाता, नॉलेज को इंप्रूव करने में कोई कॉस्ट नहीं इन्वेस्ट करता, नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए कहीं से सीखता नहीं है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, जुआ नहीं है। ध्यान रखिए, यहां पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं जो बहुत बेहतरीन बिजनेसेस करती हैं, उनके फंडामेंटल्स को स्टडी करना, उनके टेक्निकल्स को स्टडी करना और उनके साथ ट्रेडिंग विद द ट्रेंड अगर आपको आ गया तो दोस्तों आप बाजार में कभी नुकसान नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले अपनी नॉलेज को इंप्रूव कीजिए। आप देखिए बाजार क्या है, इस बाजार में कैसी कंपनीज लिस्टेड हैं, क्यों लिस्टेड हैं, क्या फ्यूचर ऑप्शंस होता है, क्या इक्विटीज होता है, क्या डेरिवेटिव्स होता है, उसको ट्रेड कैसे किया जाए, क्या चीजें हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते उन सभी पहलुओं पे हम बात करने वाले। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज। तो अपनी नॉलेज को आज इंप्रूव कीजिए और 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नॉलेज में छुपा है दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दोस्तों जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कहां लेनी है।
कुछ समय आता है प्राइस एक ऐसी रेंज में ट्रेवल करता है जिसको नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज ट्रेडिंग इन नो ट्रेडिंग जोन। आपको पता होना चाहिए कि किस ट्रेडिंग जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है, कहां पे हमें लालच नहीं करना है, हमें स्टॉक से बाहर रहना है, उससे दूर रहना है। तो आइडेंटिफाई योर ट्रेडिंग जोन्स, उसके बाद ही ट्रेडिंग कीजिएगा वरना नुकसान होने की गारंटी है दोस्तों। तो आइडेंटिफाई योर ट्रेडिंग जोन्स एंड देन ट्रेड। तीसरी समस्या से आप सब लोग जूझते हैं दोस्तों, आज तक सब लोग जूझ रहे हैं और ये समस्या आपकी कभी सॉल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं दोस्तों। तीसरी प्रॉब्लम है चेंजिंग स्टॉक्स ऑन डेली बेसिस। आप डेली नया स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप इस बात से वाकिफ ना रखें, आप इस बात से एग्री ना करें, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन प्रॉब्लम है कि हम डेली नया स्टॉक ढूंढते हैं। हमें लगता है आज फिर एक स्टॉक मिल जाए जो 3%, 5%, 10% के ऊपर चला जाए और हमारा पोर्टफोलियो रातों रात मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों। यहाँ चमत्कार होते भी हैं और नहीं भी। चमत्कार करने के लिए आपको बहुत सारे डिसिप्लिन से गुजरना पड़ेगा जो इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट स्टॉप चेजिंग एवरी डे अ न्यू स्टॉक दोस्तों, एक स्टॉक के पीछे पड़िए, उसकी पूरी चाल को देखिए, उसके पूरे टेक्निकल्स को देखिए, उसके पूरे चार्ट्स को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक स्टॉक कब हाई बनाता है, कब लो बनाता है, किस रेंज में ट्रेड करता है, कब उसका नो ट्रेडिंग जोन आता है, कब उस स्टॉक का ट्रेडिंग जोन आता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप चेजिंग अ न्यू स्टॉक एवरी डे। आप प्लीज एक ही स्टॉक के पीछे पड़िए, उसी से रिश्ता बना लीजिए। आपको शेयर अपने आगे से चल के बोलेगा कि हाँ मैं चलने वाला हूं या मैं गिरने वाला हूं या मैं ठहर। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक दोस्तों, आजकल जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं या ट्रेडिशनल ब्रोकर्स भी हैं, वो आपको बहुत सारी इंट्राडे की लिमिट देते हैं। हालांकि सेबी के नए मार्जिन के बाद में ये जो लिमिट्स का खेल है काफी हद तक कंट्रोल हुआ है, बट अभी भी लिमिट्स जारी हैं। बहुत सारी इंट्राडे मार्जिन्स में आपको लिमिट मिल रही है, आप ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। आपके पास 1,00,000 रुपये ट्रेड करने के लिए, और अगर आपको 40 टाइम्स लिमिट मिल जाएगी, सपोज कीजिए 40 लैक्स, तो आप सोच के देखिए 40 लैक्स में जो रिस्क का एक्सपोजर है वो कितना है और 1,00,000 रुपये में रिस्क का एक्सपोजर कितना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका हाई हो सकता है क्योंकि आपने ज़्यादा कैपिटल आपको मिली है 40 लैक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, बट अगर बाजार 10% साफ होता है 40 लैक्स में, तो आप नेकेड हो जाएंगे, 4,00,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। सोच के देखिए, जहां आपकी कैपिटल 1,00,000 रुपये थी, आपको 4,00,000 का नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं अगर 1,00,000 के ऊपर बाजार 10% गिरता है, तो आपको नुकसान सिर्फ 10,000 रुपये का होगा, जिसको आप झेल सकते हैं, जिसको आप रिकवर कर सकते हैं। तो मार्जिन्स में किया गया सौदा आपके रिस्क एपेटाइट को बढ़ा देता है, आपकी आदत को खराब कर देता है, और आप ऐसे एक्सपोजर के आदी हो जाते हैं कि जहां आपको ये डर नहीं रहता कि आपकी कैपिटल का लॉस हो। तो दोस्तों, जितने हायर मार्जिन आप इस्तेमाल करेंगे, उतने ही आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिमिट लेना बंद कीजिए, अपने पैसे से कैपिटल कीजिए, वही सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। पांचवी सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में आते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए या मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, बट आप में से 90% लोग तो नौकरी कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे हैं, या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे आपको मेन बिजनेस को, मेन स्ट्रीम को टाइम देना ही होता है। मेन स्ट्रीम को टाइम देना भूल जाते हैं आप। आपको लगता है यार एक ट्रेड ले लेता हूं, इंडिकेटर्स फॉलो कर लेता हूं, एक स्ट्रैटेजी बना ली है, थोड़ी देर में आके देखूंगा तो या तो स्टॉप लॉस कटेगा या मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ट्रेडिंग करना बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने ट्रेडिंग सेटअप को, अपने स्टॉक को, अपनी वॉच लिस्ट को वॉच नहीं कर सकते हैं रेगुलरली, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। फिर आपको एक निवेशक की तरह काम करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, फंडामेंटल्स देखिए, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, जैसे 100 दिन, 200 दिन की मूविंग एवरेज पे काम कीजिए, वहीं पे ज़्यादा आपको सुकून मिलने वाला है, वहाँ पे आपको चांसेस हैं एक अच्छा ट्रेड मिलने के। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और फिर आप ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारें, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल सुसाइड। तो आप फाइनेंशियल सुसाइड मत कीजिए दोस्तों। मेरे हिसाब से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ट्रेड ओनली एंड ओनली व्हेन यू हैव टाइम। छठी समस्या दोस्तों, पूरा देश इस समस्या से गुजर रहा है, दैट इज टिप्स एडवाइजर। जितने भी टिप एडवाइजर हैं, चाहे वो इंदौर में हो, राजकोट में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, जहां भी हो, उन्होंने पूरे लोगों को, जितने भी नए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, पता नहीं कहां से डेटा चोरी होता है, डेटा बिकता है, ये तो सबको मालूम है, बहुत बड़े लूप होल्स है, कौन उनको डेटा बेचता है मालूम नहीं है। बट जैसे ही आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलते हैं, आपको कोई ना कोई टिप एडवाइजर चेज करता है, वो आपके पीछे यहां तक पड़ जाते हैं कि आप अपने ट्रेडिंग के आईडी और पासवर्ड्स तक उनसे शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है मुझे तो मालूम नहीं। वो लोग ऐसी खिचड़ी बनाते हैं, ऐसे जाल आपके सामने बोलते हैं कि आप पैंपर हो जाते हैं, आप उनके रुझान में आ जाते हैं, आप उनके साथ हो लेते हैं, अपने ट्रेडिंग आईडी पासवर्ड्स उनको दे देते हैं, और वो सट्टा मार के नुकसान करके आपके पैसे को बर्बाद कर देते हैं। ऐसी किसी भी कंपनी, ऐसी किसी भी एडवाइजरी फर्म के चक्कर में ना पड़े, चाहे वो सेबी
रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, जो आपसे आपका आईडी पासवर्ड मांग ले या आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करे, या आपको बोले कि आप ये शेयर ले लीजिए जो इलिक्विड शेयर होगा या ऑपरेटर बेस्ड शेयर होगा, हो सकता है वो ऑपरेटर से मिले हों, आपको ऑपरेटर बेस्ड शेयर चिपका दें और आप सोचे 100 रुपये की पूंजी 2 रुपये भी ना रहे, सारा पैसा बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों टिप एडवाइजर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर कोई टिप एडवाइजर आपको सर्विस देने की कोशिश कर भी रहा है तो उसको बोलिए कौन सा स्टॉक देना चाहते हैं, फ्री में बताइए। फ्री में जब वो स्टॉक बताए आपको, उस स्टॉक को अपने टेक्निकल एनालिसिस के पास लेके जाइए, अपने चार्ट्स पे देखिए, उसके फंडामेंटल्स को स्टडी कीजिए। अगर आपको लगता है वो आपके पैरामीटर्स पे, आपके बैरोमीटर पे खरा उतर रहा है तो ट्रेड कीजिए, सर्विस मत लीजिए। जी हाँ, किसी और के कहे से आप काम करेंगे तो नुकसान होना लाजमी है। अगर सपोज कीजिए मैं आपको कोई स्टॉक एडवाइस करता हूँ, बहुत कभी कभी हम भी स्टॉक के ऊपर वीडियो बना देते हैं, तो वहां भी मैं कहता हूँ कि अपने लेवल एनालिसिस कीजिए, अपनी खुद की स्टडी कीजिए, फिर ट्रेड लीजिए, किसी के कहे पर भी बिलीव मत कीजिए। सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग नहीं करते। कभी आप इंट्राडे करने बैठते हैं, कभी आप स्विंग ट्रेडिंग करने बैठते हैं, कभी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, कभी आप 1 मिनट का चार्ट देखते हैं, कभी आप 1 घंटे का चार्ट देखते हैं, और कभी आप डेली चार्ट को देखते हैं। दोस्तों मैं कहता हूं अपने स्टॉक की कंफर्मेशन करने के लिए आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना जरूरी है, बट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ता और 1 साल, सभी पे देखेंगे तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। दोस्तों आप अपने आप को पहचानिए, आप ट्रेडर हैं या निवेशक हैं, आप कैसे ट्रेडर हैं, कैसे निवेशक है, फिर अपने टाइम फ्रेम्स को सेट कीजिए, 1 या 2 या 3 ज्यादा टाइम फ्रेम पे अपने स्टॉक्स को चेक करने की कोशिश कीजिए। डिसिप्लिन बनाइए कि जब टाइम है करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। कितना रिस्क रिवार्ड आप तय कर सकते हैं, रिस्क रिवार्ड तय कीजिए, उसके बाद ही काम कीजिए। डिसिप्लिन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ डिसिप्लिन विल वाइप ऑफ योर कैपिटल। दोस्तों प्लीज डिसिप्लिन से काम करना सीखिए, अपने डिसिप्लिन तय कीजिए अपनी लाइफ के हिसाब से, जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से, फिर उसके बाद आप काम कीजिएगा, तो मेरे हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। 8वीं सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, लैक ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी स्टॉक मार्केट में आने के बाद प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहता है। सबके सब रातों रात लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, सबके सब ये चाहते हैं कि आज ट्रेड लिया और आज ही पैसा आ जाए। कोई भी पेपर ट्रेडिंग नहीं करता, कोई भी प्रैक्टिस ट्रेडिंग नहीं करता, कोई भी ये नहीं देखने की कोशिश करता कि बैक टेस्टिंग करके क्या रिजल्ट रहे हैं, वो स्ट्रेटजी ने कितना काम किया, क्यों किया, कैसे किया, कोई नहीं करता। दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सपोज कीजिए आप आर्मी ज्वाइन करते हैं, आर्मी वाले क्या कराते हैं, आर्मी वाले पहले आपको 6 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं, पुलिस में जाते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ होती है। दोस्तों एक फौजी की तरह काम कीजिए, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने कम से कम अपने आप को प्रैक्टिस में डालिए, उस डिसिप्लिन में डालिए। अगर आप नहीं डालेंगे तो स्टॉक मार्केट में आप जिंदगी भर कभी भी पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अनदर नेम ऑफ डिसिप्लिन। आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे, प्रैक्टिस ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद ही आपके रिजल्ट्स निकल के आएंगे दोस्तों, और आपको खुशी मिलेगी कि आपको लॉस भी बुक करना आ गया है और आपको प्रॉफिट भी बुक करना आ गया। क्योंकि अगर आपको 2-4 ट्रेड्स में, 5 ट्रेड्स में पैसा आ गया तो आप अपने आप को बादशाह समझने लगते हैं, गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, और जिस दिन पहली बार लॉस लगता है उसी दिन आप स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं। दोस्तों डिसिप्लिन अगर आपने चेंज किया, स्ट्रैटेजीज बार बार चेंज की, और आपने पेपर ट्रेडिंग किए बिना ट्रेड करने की कोशिश की, तो लॉस होना लाजमी है। 9वीं गलती दोस्तों इसी से जुड़ी हुई है, वो है बार बार स्ट्रैटेजी को चेंज करना। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर ये कहते हैं, बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती। दोस्तों मैं इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रखता हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बाजार आपकी स्ट्रैटेजीज को ढूंढ ले। बाजार में काम करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी इंडिकेटर पे काम करें, किसी भी सेटअप पे काम करें, वो सेटअप फेल नहीं होते। दोस्तों वो सेटअप की एक्यूरेसी, किसी भी सेटअप की एक्यूरेसी 70-80% के आसपास रहती है, और रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि अगर आप एक कॉइन को भी टॉस करते हैं तो 1/3 वो कॉइन आपके फेवर में गिरेगा, और अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 है, 1:3 है, तो आप 40% के सक्सेस रेट में भी पैसा बना सकते हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजी फेल हुई? कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, फेल हम होते हैं, क्योंकि हम बार बार, जैसे ही पहली बार लॉस लगता है, हम स्ट्रैटेजी को बदल देते हैं। दोस्तों स्ट्रैटेजीज को बदलना बंद कीजिए, एक स्ट्रैटेजी को रिलीजियसली रिगरसली फॉलो कीजिए, उस पर काम कीजिए, उस पर बैक टेस्टिंग कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे अगर आपने 70-80% की सक्सेस रेशियो भी अगर हासिल कर ली, तब भी बहुत पैसा बनेगा दोस्तों, निवेश हो चाहे ट्रेडिंग हो। बट बार बार स्ट्रैटेजी बदलने से ना तो पुरानी स्ट्रैटेजी के रिजल्ट आपको मिल पाते हैं, ना ही नई स्ट्रैटेजी आपको कोई सलाह देती है। 10वीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों, मनी मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, जितना ही पैसा हमारे पास होता है पूरे पूरे पैसे को हम ट्रेडिंग में झोंक देते हैं, या पूरा का पूरा पैसा हम निवेश में लगा के छोड़ देते हैं, फिर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है तो वो नहीं कर पाते। ये गलती दोस्तों मैंने ही बहुत की, या तो पूरा पैसा निवेश में कर दिया या पूरा पैसा हमने ट्रेडिंग में डाल दिया। दोस्तों ऐसा करना बहुत गलत है, आपको मनी मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको पैसे को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला पैसा आपको थोड़ा सा कैश रखना है कि अगर आपको अपने स्टॉक में एवरेज करनी पड़े तो आप कर सकें। थोड़े से पैसे से आपको ट्रेडिंग करनी है और बहुत सारे पैसे से आपको निवेश करना है।
जो ट्रेडिंग के पैसे से अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो उसको भी वेल्थ क्रिएट करने में लगाइए, उससे अपने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को ले लीजिए, डीपी में डालिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए डिविडेंड क्रिएट करेंगे, आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे। दोस्तों मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा मुझे निवेश के लिए रखना है, कितना पैसा मुझे एवरेज करने के लिए रखना है और कितना पैसा मुझे ट्रेडिंग में लगाना है। दोस्तों कभी भी पूरा पैसा किसी एक चीज़ में मत लगाइए। अगर पूरा पैसा कैपिटल कैश पड़ा रहेगा, लिक्विड पड़ा रहेगा, तो आपको कुछ कमा के नहीं देगा। पूरा पैसा अगर आप ट्रेडिंग में डाल देंगे तो निवेश की कोई अपॉर्चुनिटी है कि आप निवेश नहीं कर पाएंगे, और पूरा पैसा अगर निवेश में डाल देंगे तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप निवेशक हैं तो पूरा पैसा डालिए निवेश में, कोई हर्ज नहीं है। पर अगर आप निवेशक होने के साथ साथ में ट्रेडर भी होना चाहते हैं तो मैं तो आपको कहूँ तो 50-25-25 कैन बी वेरी गुड मनी मैनेजमेंट टेक्निक। आप अपने हिसाब से अपनी खुद बना सकते हैं, जहां पे आप कंफर्ट जोन में आते हैं, जहां आपको लगता है मैं इस मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर सकता हूं, आप प्लीज़ मनी मैनेजमेंट ज़रूर करें, उसके बाद ही ट्रेड या निवेश करने का फैसला। दोस्तों आखिरी और 11वीं गलती, सबसे भयंकर गलती आज की डेट में, जो रातों रात आप लखपति करोड़पति बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। और इस गलती में सबसे बड़ी गलती जो बन के आती है, जो आ रही है आज की डेट में, वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। आपको लगता है कि निफ्टी भाग जाएगी, बैंक निफ्टी भाग जाएगी, 200-300 पॉइंट का गेन मिलने वाला है, या रिलायंस या इंफोसिस या किसी बड़े शेयर में ट्रेड या निवेश करते हैं तो शेयर भागने वाला है, चलने वाला है या गिरने वाला है। आपने एनालिसिस कर लिया है ना, कच्चा पक्का एनालिसिस किया, और उसका आप पुटिया कॉल लेके बैठ जाते हैं, आप उसकी ऑप्शंस लेके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया था यार एक्सपायरी पे ना 2 का माल 200 होता है, मतलब 2 रुपए की ऑप्शन 200 रुपए बिक जाती है बैंक निफ्टी की। ठीक है, होता भी है, बाजार है, बाजार में सब चीजें पॉसिबल होती हैं। पर दोस्तों यही एक हनी ट्रैप होता है, जहां आपको गलती से पहले ही ट्रेड में अगर पैसा आ गया ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपको लगेगा यार मैंने 10,000 रुपए लगाए थे और मेरे 50,000 बन गए, कहां मिलता है इतना रिटर्न। बट नेक्स्ट टाइम वो 50,000 रुपए तो जाएंगे जाएंगे, जेब से भी 50,000 रुपए चले जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आपने किस वजह से उसमें पैसा कमाया था। आपको पैसा कमाने की वजह नहीं मालूम, और अगली बार जब पैसा जाएगा तो भी आपको ये वजह नहीं मालूम होगी कि आपका पैसा क्यों गया है। ऑप्शंस ट्रेडिंग इज डेंजरस, फ्यूरियस, इज नॉट रिकमेंडेड टू दी फ्रेशर्स, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों अच्छे अच्छे धुरंधर जो बाजार में सालों साल से हैं, वो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग को नहीं समझ पाए हैं अभी तक, जब तक वो डीपली उसको स्टडी नहीं करते। अगर आप डीपली स्टडी करते हैं, अच्छी से प्रैक्टिस करते हैं, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, किसी को नहीं सुनते हैं, अच्छी नॉलेज लेने के बाद ट्रेड करते हैं, तो दोस्तों नोबडी कैन स्टॉप यू इन बिकमिंग अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी मास्टर ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक बढ़िया प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो टाइम तो होना ही चाहिए दोस्तों, उसके पीछे कोई भी इफ एंड बट नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो ये मार्केट आपके लिए नहीं। दोस्तों किसी भी धंधे में आपको टाइम देना पड़ता है, और स्टॉक मार्केट एक धंधा है, जुआ नहीं। आई होप इन 11 गलतियों को आप ठीक करने की कोशिश करेंगे और आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में कुछ सुधार आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि किस और टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी इस 11 गलतियों को ठीक कर सकें और एक अच्छे ट्रेडर और एक अच्छे निवेशक बन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।